हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जिस पे हमारी पूरी लाइफ डिपेंड करती है, जो कि है पॉजिटिविटी। हम कैसे पॉजिटिव रहें, कैसे खुश रहें और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ को कैसे जिएं। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ इस टॉपिक पे शेयर करूँगी कि कैसे मैंने अपनी मेरी एक टाइम था जब मेरी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो गई थी, तो मैं उससे कैसे ओवरकम किया, मैं कैसे उससे बाहर आई। मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो मैंने अपनी लाइफ में चेंज करी वो है जल्दी सुबह उठने की। इससे क्या होता है कि जल्दी उठ करके हम अपने आप को खुद को टाइम दे पाते हैं। मैं जब जल्दी उठती हूँ तो छत में जा करके जो नेचर की ब्यूटी है उसको देखती हूँ, उससे बहुत पीस मिलता है। और योगा करिए उस टाइम पे और एक्सरसाइज करिए, इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है मेंटल स्ट्रेस को रिलीव करने में, और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। मॉर्निंग में जल्दी उठना और योगा एक्सरसाइज करने से बहुत ज़्यादा लाइफ में हमारे चेंज आती है, एक पॉजिटिव एनर्जी हमारी लाइफ में आती है। तो फ्रेंड्स, लाइफस्टाइल में चेंज करने के लिए मैं आपको एक ऐसी बात बताती हूँ जिससे कि वाकई में बहुत असर पड़ता है हमारी ज़िंदगी में। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेस फ्री, हैप्पी और पॉजिटिव रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कैसे अपने में चेंजेस लाने हैं। आपको पता ही होगा कि ह्यूमंस के 5 senses होते हैं, इंसान की 5 इंद्रियां होती हैं। तो उन 5 इंद्रियों को अगर हमने खुश रखा तो हम अपने आप ही हैप्पी हो जाएंगे, हमारा एनवायरनमेंट अपने आप ही हैप्पी हो जाएगा। तो हमारे 5 senses कौन कौन से हैं? आइज, नोज, टेस्ट, लिसनिंग, ईयर एंड टच। तो फर्स्टली हम बात करें आइज, तो आइज के लिए हम क्या करते हैं, साइट बोलते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने घर की पूरी अच्छे से साफ सफाई रखिए, जहाँ आप रहते हैं वहाँ साफ सफाई रखिए, अपने घर में सुंदर सुंदर पिक्चर्स लगवाइए, सीनरी लगवाइए, आपकी नज़रों में जो आ रहा है वो चीज़ सुंदर और साफ होनी चाहिए, उससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। एंड सेकेंड थिंग है हमारी स्मेल। तो स्मेल के लिए हमें क्या करना है, हमें मॉर्निंग में हम और इवनिंग में पूजा वगैरह करते हैं या फिर जो भी है घर में फ्रेगनेंस रखनी है, खुशबू रखनी है, हमें घर में घर के एनवायरनमेंट में अच्छी खुशबू बना करके रखनी है। बाथरूम का डोर हमेशा क्लोज करके रखना है, उससे नेगेटिविटी आती है। बाथरूम का डोर हमेशा क्लोज रखिए, घर में हमेशा खुशबूदार वातावरण बनाने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं, थर्ड सेंस है हमारे ईयर, हमारे कान। इसका ये मतलब है कि हमें हमेशा अच्छी चीज़ें सुननी है, पॉजिटिव चीज़ें ही सुननी है। घर पर या जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे हमेशा अच्छे मेलोडी, सुंदर पीसफुल सॉन्ग वगैरह लगा करके रखिए, जिससे कि आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी। फोर्थ सेंस है हमारी टंग। तो टंग के लिए हमें क्या करना है, सात्विक भोजन खाना है, फल सलाद आदि ज़्यादा खाना है, मसालेदार खाना नहीं खाना है। यकीन मानिए इससे आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। फिफ्थ सेंस हमारा क्या है, टच। तो टच के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमारे घर में पैट्स हैं तो हम पैट्स के साथ खेल करके उनको पीठ में थपथपा के या उनको ऐसे मसाज करके हमें बहुत पीस मिलती है, या छोटे बच्चों के साथ हम टाइम स्पेंड करें, उनको टच करें तो उनसे भी हमें बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, या फ्लावर्स को आप टच करें तो उससे भी बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। तो ये चीज़ें हमें टच करने से भी काफ़ी हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, अगर हम अच्छी चीज़ों को टच करें। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कैसे हम अपने 5 senses 5 इंद्रियों को अगर खुश रखें तो हम खुद अपनी लाइफ में हमारी बहुत पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। तो पहली थी आइज़। तो आइज़ के लिए हमें बहुत अच्छी चीज़ें देखनी है, घर को बहुत साफ रखना है, उसमें अच्छे से पिक्चर्स वगैरह हमारी नज़रों में हमेशा आनी चाहिए। नोज़ के लिए हमें अच्छे से घर में फ्रेगनेंस रखनी है, अच्छी खुशबूदार वातावरण रखना है। ईयर के लिए हमें, लिसनिंग के लिए हमें अच्छे से मेलोडी सॉन्ग्स वगैरह लगाने हैं घर में। और टेस्ट के लिए हमें अच्छा सात्विक भोजन खाना है।
एंड फिफ्थ जो हमारा था टच, उसके लिए हमें अपने पेट्स या बेबीज, किड्स या फ्लावर वगैरह के साथ हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में भी ज़रूर पॉजिटिविटी आएगी और आप थोड़े स्ट्रेस से फ्री हो पाएंगे। मैंने इस वीडियो में जो भी कुछ मैंने इस वीडियो में जो कुछ भी शेयर किया है आपके साथ, वो सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।